चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जिस सिपाही ने हमारे बुजुर्ग का लट मारा वो अपने बप्पू का भी लट मार सके, उसका जमीर नहीं होता। किसानों एक हो जाओ, हम हिंदू मुस्लिम नहीं हैं, हम किसान हैं। पुलिस के सिपाही ने चाहे वो पीएससी का था, चाहे वो आरपीएफ का था, चाहे वो यूपी पुलिस का था, जिस सिपाही ने हमारे बुजुर्ग का लट मारा वो अपने बप्पू का भी लट मार सके, उसका जमीर नहीं होता। दान दो, शक्ति बांटने के चक्कर में है लोग, शक्ति हमें शक्ति नहीं बटन देनी। राकेश टिकैत के आंसू यू जिलो, जू जिला वहीं जाकर पूछेगा, वहीं जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे जाएंगे, चौधरी साहब को मजबूत करेंगे दिल्ली में, जो मीटिंग होगी, जो पंच चुने जाएंगे वो फैसला लेंगे। धरना बड़ौत में चलाओ अग नहीं चलाओ, अरे बड़ौत में तो धरना हम कभी भी धर लेंगे, 10 दिन पीछे धर लेंगे, 20 दिन पीछे धर लेंगे, किसी मई के लाल में हिम्मत नहीं मारा धरने, कोई रोक दे। फिलहाल बात है उसकी शक्ति देने की। जय जवान, जय किसान। चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह। योगी जी भूल गए हाथरस की घटना को, ये वही लोग है, ये वही किसान है हमारे धरने पर, हमने अपने 500 बुजुर्ग बैठा रखे थे, ये नुमान गए और ये अकेले है। अगर आपने ये भूल करने की कोशिश करी तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमारे बुजुर्गों से माफी मांगो, नहीं तो तेरे इस राज को आने वाले 22 में टैश नेस कर देंगे। झंडे का मामला आपको यह बताऊं, मेरी उम्र कम से कम भी 84 साल की हो चुकी है और मैं इन लोगों को शुरू से जानता हूं। जब देश आज़ाद हुआ उसके 20 साल तक बाद में इन लोगों ने यह भारतीय किसी ये इसकी भारत के जो झंडा है हमारा तिरंगा, इसको माना ही नहीं था। आज ये किस मुंह से ये कह रहे कि भाई हमारे झंडे को जगह, जिस झंडे को इन जहाँ लगा रखा है वो हमारा झंडा, हमारे देश का कब झंडा लगा रखा, वो तो लीज पर दिया हुआ है, दूसरे के ऊपर झंडे पर हमारी बेइज्जती की। फिर एक पुलिस वाले ने जो वहाँ डंडा मार के एक झंडा था उसका भारत का, उसको उससे उखाड़ कर दूर फेंक दिया, क्या गवर्नमेंट को उस पर नजर नहीं थी? कि सारे अपने 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 घर में से एक एक मात्र शक्ति को निकाल के दूर देखिए, आपकी ये सरकार जो है ना हिल न गई ना जड़ तक, तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। अरे एक बार निकालो तो सही, क्या आप सबका खून बिल्कुल पानी बन गया है? अगर पानी तो औरतों की चूड़ी लो, हाथों में पहन लो। मैं यहाँ नेता बनने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि अपने घर से अपने एक एक मातृ शक्ति को बाहर निकालो, आपको हमारी शक्ति का पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। और 13 बार किसानों की तो एक बहुत बड़ी जीत होगी और जीत हार होती रहेंगी। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सारा किसान ये चाहता कि चौधरी जयंत, चौधरी अजीत सिंह और टिकैत परिवार एक मंच पावर, एक दूसरे के गले मिले, वो हमारा सपना पूरा हो गया, हमारी इससे बड़ी जीत हुई। सारा दिन लाठियां बजे और हमारी जान निकल जाए तब भी मलाल नहीं है, मलाल है तो एक बात का है,
किसान अब तक यह नहीं समझा कि किसान की जाति एक है, किसानों एक हो जाओ। हम हिंदू मुस्लिम नहीं हैं, हम किसान हैं। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। धन्यवाद। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। आवाज कम है भाई। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। अब अगले वक्ता के रूप में किसान नेता ब्रह्मपाल सिंह बडोली और वह नीचे से ही अपने